नमस्कार वाला विद्यार्थी मित्रों, केम छो? आल्फा प्ले स्कूल में तमारू हार्दिक स्वागत छे। तो आजे आपणे जुनियर केजी में विषय अंग्रेजीना आल्फाबेट एस अने टी नी ओळख समझीशू, जेमा आपणो सेशन 10 एटले के 10मो रहेशे। तो चालो विद्यार्थी मित्रों, आल्फाबेट एस अने टी नी ओळख समझीए। तो अहीं आपने सौ प्रथम आल्फाबेट एस आपेलो छे। तो अहीं आपणे ए जोईशुं के आल्फाबेट एस परथी कई कई थिंग्स आवे छे, कया कया नाम आवे छे अने कया कया एनिमल्सना नेम्स आवे छे जे आपणे अहीं जोईशुं। तो सौ प्रथम जोईशुं एस फोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल छे एस फोर सन, सन एटले के सूर्य। त्यारबाद छे सेकेंड एस फोर स्टार, स्टार एटले के तारो। त्यारबाद छे थर्ड नंबर पर एस फोर शूज, शूज एटले के बूट। त्यारबाद छे एस फोर फोर्थ मा लास्ट, फोर्थ अने लास्ट छे सन फ्लावर एटले के सूर्यमुखी। त्यारबाद छे आल्फाबेट एस। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों तमने कह्युं छे घूटो टपका जोड़ो अने जाते लखो। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं तमने आल्फाबेट एस आपेलो छे। तो तमारे अहीं जोवानुं छे के कई रीते घूटवू, कई रीते तेना टपका जोड़वा अने कई रीते तेनी जाते ज प्रेक्टिस करवी। तो अहीं आल्फाबेट एस आपेलो छे, राइट ने विद्यार्थी मित्रों? तो अहीं तमारे तेने घूटवानुं छे अने त्यारबाद तेमां टपका करीने आल्फाबेट एस आपेलो छे। तो अहीं तमने आल्फाबेट एस तमारे सरळ अने व्यवस्थित रीते गोठवानो रहेशे अने त्यारबाद तमारे बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स आपेला छे, राइट ने विद्यार्थी मित्रों? तो अहीं ते ब्लैंक बॉक्समां आपणे आल्फाबेट एस लखवानी ट्राय एटले के प्रेक्टिस करवानी छे। त्यारबाद आपने आपेलू छे आल्फाबेट टी। तो अहीं विद्यार्थी मित्रों तमने आल्फाबेट टी मां फोर्थ थिंग्स एनिमल्स नेम्स आपेला छे। तो आपणे ते फोर एनिमल थिंग्स कया कया छे ते आपणे जोईशुं। तो सौ प्रथम आपने आपेलू छे आल्फाबेट टी एटले के टी फोर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थशे टी फोर टाइगर, टाइगर एटले के वाघ। त्यारबाद छे टी फोर ट्री, ट्री एटले के झाड़। त्यारबाद छे टी फोर थर्ड में छे टीथ, टीथ एटले के दात। त्यारबाद छे फोर्थ में टी फोर टैप, टैप एटले के नळ। त्यारबाद छे आल्फाबेट टी। तो अहीं आपणने घूटो टपका जोड़ो अने जाते लखो। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं तमने आल्फाबेट टी आपेलो छे। तो आपणे आल्फाबेट तमने आगळना सेशन में शीखी गया के कई रीते घूटवो, कई रीते टपका जोड़वा अने कई रीते तेनी जाते ज प्रेक्टिस करवी, जे तमे अहीं जोई शको छो। तो विद्यार्थी मित्रों अहीं तमारे ए जोवानुं छे के कई रीते तमारे घूटवो, कई रीते तमारे व्यवस्थित अने सरल रीते टपका जोड़वा अने कई रीते पछी तमारे तेनी जाते ज प्रेक्टिस करवी। तो सौ प्रथम तमारे 1 to 10 टाइम तमारे तेने आल्फाबेट टीने घूटवानो रहेशे। त्यारबाद तेमां टपका आपेला छे ते टपकाने तमारे सरळ અને વ્યવસ્થિત રીતે જોડવાના રહેશે અને ત્યારબાદ તમારે તેની જાતે જ પ્રેક્ટિસ કરવાની રહેશે। ત્યારબાદ આપણને આપેલું છે ચિત્ર ઓળખી તેના સાચા આલ્ફાબેટ પર સર્કલ કરો। તો અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ચિત્ર આપેલા હશે, તેના સાચા આલ્ફાબેટ પર તમારે સર્કલ કરવાનું રહેશે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણને આપેલું છે સૂર્ય એટલે કે સન। તો સનનો આલ્ફાબેટ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો એસ। તો આપણે આલ્ફાબેટ એસ પર સર્કલ કરીશું। ત્યારબાદ છે પપૈયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પપૈયાનો આલ્ફાબેટ શું થશે? તો પપૈયાનો આલ્ફાબેટ પી થશે। તો અહીં આપણે આલ્ફાબેટ પી પર ક્રોસ કરીશું। ત્યારબાદ છે ટેપ। તો ટેપ એટલે કે નળ। તો ટેપનો આલ્ફાબેટ શું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો ટેપનો આલ્ફાબેટ ટી થશે। તો આપણે આલ્ફાબેટ ટીને પર સર્કલ કરીશું। ત્યારબાદ છે ક્યુઝ, ક્યુઝ એટલે કે કતાર, એટલે કે લાઇનમાં રહેવું એટલે ક્યુનો,
क्यूज़नो आल्फाबेट शू थशे विद्यार्थी मित्रों? तो क्यू। तो आपणे तेनी पर सर्कल करीशू। त्यारबाद छे आपणने उंदर। तो विद्यार्थी मित्रों उंदरनू इंग्लिश शूँ थाय? तो उंदरनू इंग्लिश रैप थाय। तो रैपनो शूँ थाय विद्यार्थी मित्रों? तो रैपनो आर थाय। तो आपणे आरनी पर सर्कल करीशू। त्यारबाद छे चंद्र एटले के मून। तो विद्यार्थी मित्रों मूननो आल्फाबेट क्यांथी शुरू थाय? तो आल्फाबेट एम परथी। तो आपणे एम पर सर्कल करीशू। त्यारबाद छे डुंगळी एटले के ओनियन। तो आपणे ओ पर सर्कल करीशू। त्यारबाद छे नेस्ट। नेस्ट एटले के माळो। तो नेस्टनो आल्फाबेट क्यांथी शुरू थाय विद्यार्थी मित्रों? तो नेस्टनो आल्फाबेट आल्फाबेट एन परथी स्टार्ट थाय। तो आपणे एन पर सर्कल करीशू। ત્યારબાદ છે પાછળ આવતો આલ્ફાબેટ લખો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમે આગળનો આલ્ફાબેટ આપેલો છે તેની પાછળ તમારે કયો આલ્ફાબેટ આવે તે તમારે લખવાનો રહેશે। તો અહીંયા સૌપ્રથમ તમને આપેલું છે ઓ, ઓ ફોર ઓરેન્જ। તો ત્યારબાદ તેની પાછળ શું આવે? તો તેની પાછળ પી, પી આલ્ફાબેટ પી એટલે કે પપૈયા આવે। ત્યારબાદ આપણને આપેલો છે આલ્ફાબેટ આર। તો આરની પછી શું આવે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આરની પછી આલ્ફાબેટ એસ આવે। ત્યારબાદ આપણને આપેલું છે આલ્ફાબેટ એસ। તો એસ પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આલ્ફાબેટ કયો આવે? તો એસ પછી આલ્ફાબેટ ટી આવે। ટી એટલે કે ટી ફોર ટેપ। તો તમે શીખી ગયા ને વિદ્યાર્થી મિત્રો પાછળ આવતો આલ્ફાબેટ? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ આલ્ફાબેટ શીખવાની મજા આવીને આવા હજી આલ્ફાબેટ શીખવા માટે આ વિડીયોની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે। તમે આ વિડીયો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને શીખજો। થેન્ક યુ વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો।